हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू आरसी सर्किट, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं पढ़ पाए या जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, पहले आप उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस आर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, देखिए बच्चों, सपोज करो मेरे पास में एक चार्ज इनिशियली कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे सी, और ये अभी कम्प्लीटली चार्ज है बच्चों, मतलब इसका जो इनिशियल चार्ज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं मैक्सिमम चार्ज, वो आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, क्यू नॉट, ठीक है। आपने इस कैपेसिटर को एक रजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट किया, ओके, और यहाँ लगा दिया हमने एक स्विच, ये मैंने कनेक्ट कर दिया एक स्विच यहाँ पे, और यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, वी है, ओके। तो पहले हमने क्या किया, पहले इस कैपेसिटर को हमने यहाँ पे इस बैटरी की हेल्प से कम्प्लीटली चार्ज किया, इसको हमने कम्प्लीटली चार्ज किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्विच को हमने ओपन कर दिया, अगर हम लोग इस स्विच को ओपन कर देंगे तो ये जो बैटरी है यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है ये वापस क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। बच्चों ध्यान रखिए, कोई भी जो कैपेसिटर है, अगर वो कैपेसिटर बैटरी से कम्प्लीटली चार्ज होता है बच्चों, तो कम्प्लीटली चार्ज होने के बाद में वो बिहेव करता है एज ए बैटरी, हम लोग उसको एक बैटरी अज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे बच्चों, इसको ओपन करेंगे, ये बैटरी यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है ये अगेन वापस डिस्चार्ज होगा बच्चों, किसके थ्रू, रेजिस्टेंस आर के थ्रू। तो आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि आफ्टर टाइम टी इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है, आफ्टर टाइम टी इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आफ्टर टाइम टी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ओके। तो इनिशियली हम लोग मान लेते हैं चार्ज कितना है बच्चों, क्यू नॉट, एंड कैपेसिटेंस कितना है इसका सी, ओके। तो इनिशियली इसका जो पोटेंशियल है बच्चों, वो हम लोग कितना अज्यूम कर सकते हैं, वी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी, जो कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा बच्चों, इसको हम लोग कह सकते हैं वी मैक्सिमम इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी। इनिशियली ये कंप्लीटली चार्ज है तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया वी मैक्सिमम इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी, ओके। ये वाली प्लेट हमने अज्यूम की बच्चों पॉजिटिव प्लेट, और इसको आपने अज्यूम किया यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, ओके। मान लेते हैं रेजिस्टेंस का क्रॉस ओवर वोल्टेज का ड्रॉप है वो कितना है, वी आर, और कैपेसिटर का क्रॉस ओवर वोल्टेज का ड्रॉप है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, वी सी। आइए जल्दी से हम लोग अप्लाई करते हैं केवीएल की इक्वेशन। तो अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बच्चों यहाँ से हम लोग पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होकर यहाँ से मूव कर रहे हैं सर्किट में, हम लोग वापस जा रहे हैं नेगेटिव प्लेट तक, ओके। और हम लोग मान लेते हैं चार्ज की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। तो पहले हम लोग लिखते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का पोटेंशियल वी सी, फिर हम लोग जा रहे हैं सर्किट में चार्ज की सेम डायरेक्शन में, या फिर आप कह सकते हो करंट की सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे वी सी माइनस वी आर विल बी इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ से बच्चों वी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी सी इक्वल टू हो जाएगा वी आर, वी सी इक्वल टू वी आर। आपको फाइंड आउट करना है चार्ज एट एनी टाइम टी, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया लेट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी चार्ज कितना अज्यूम कर लिया बच्चों इसके अक्रॉस, चार्ज आपने अज्यूम कर लिया कैपिटल क्यू, ओके। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं वी सी विल बी इक्वल टू बच्चों, वी सी हमें किसके इक्वल मिलेगा, क्यू अपॉन सी, किसी भी टाइम टी के बाद में चार्ज हमने कितना अज्यूम किया क्यू, एंड कैपेसिटेंस आपने कितना अज्यूम किया बच्चों सी, तो वी सी इक्वल टू कितना हो गया क्यू अपॉन सी इक्वल टू वी आर। बच्चों वी आर क्या होता है, आई इंटू आर, रजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है आई इंटू आर। अच्छा बच्चों यहाँ देखें क्यू अपॉन सी इक्वल टू, बच्चों आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली बात है, जब सर्किट कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज टाइम के साथ में कंटिन्यूसली क्या होने वाला है, यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है, ओके। तो जब यहाँ पे चार्ज डिक्रीज होगा तो आई को हम लोग पुट करने वाले हैं यहाँ पे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर।
गॉट इट। अब यहाँ से मुझे क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए ये जो क्यू है इसको हम लोग यहाँ नीचे लेके आए, तो इसको मैंने लिखा डी क्यू अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू, ये मुझे मिल जाएगा माइनस डी टी अपॉन आर सी। डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन आर सी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बच्चों इसको इंटीग्रेट, करिए जल्दी से इसको इंटीग्रेट विद द प्रॉपर लिमिट। तो बच्चों यहाँ लगाए हमने इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस आपने बाहर लिया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और ये जो वन अपॉन आर सी इसको भी हमने बाहर रिज्यूम कर लिया। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखें अपना वेरिएबल क्या है, टाइम है, और टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियली अपना जो कैपेसिटर है वो कम्प्लीटली चार्ज है। तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज की बात करें बच्चों, तो टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल आपने चार्ज कितना अज्यूम किया है, क्यू नॉट। ओके, और आफ्टर टाइम टी हमने चार्ज कितना अज्यूम किया बच्चों यहाँ पे, क्यू। तो लिमिट्स आ गई क्यू नॉट टू क्यू, और यहाँ लगे लिमिट टाइम टी इक्वल टू जीरो टू टी। चलिए बच्चों सॉल्व करें इसको हम लोग। तो ये मुझे मिल गया लॉग क्यू इन ब्रैकेट क्यू नॉट से लेके क्यू इक्वल टू, ये मुझे मिल गया बच्चों माइनस वन अपॉन आर सी इन ब्रैकेट मुझे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी इक्वल टू टी माइनस जीरो। ओके बच्चों वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट, लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी, और यू कैन से माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, तो यहाँ से बच्चों देखिए हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लॉग क्यू माइनस क्यू नॉट, लॉग ए माइनस वी विल बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग क्यू अपॉन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। और बच्चों अगर यहाँ से मुझे इस लॉग को हटाना है तो हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया बच्चों एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। बच्चों एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ मेरे को मिल गया क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू, ये लॉग के जो बेस है उसके पावर में जाएगा बच्चों आर एच एस, तो लॉग का बेस बाई डिफॉल्ट हम लोग कितना अज्यूम करते हैं, स्मॉल ई। तो ये मुझे मिल गया ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और अगर हम लोग यहाँ से क्यू की वैल्यू को फाइनली फाइंड आउट करें बच्चों, तो क्यू इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस टी अपॉन आर सी। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिके हो रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे चार्ज का ग्राफ किसके साथ में, टाइम के साथ में, कि कैसा ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका ग्राफ हम लोग जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बच्चों इस एक्सिस पे हमने लिया वाई एक्सिस पे हमने अज्यूम किया चार्ज क्यू, वाई एक्सिस पे आपने अज्यूम किया बच्चों चार्ज क्यू, और एक्स एक्सिस पे आपने अज्यूम किया बच्चों टाइम टी। इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे, इनिशियली बच्चों टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल चार्ज आपने कितना अज्यूम किया, क्यू नॉट। तो टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल चार्ज हमारा कितना आ रहा है, क्यू नॉट। और अगर मैं यहाँ पे टी इक्वल टू, अगर मैं इसकी इक्वेशन टी इक्वल टू इन्फाइनेट पुट करता हूँ बच्चों, तो मेरा क्यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, जीरो। यानी कि इन्फाइनेट टाइम के बाद में चार्ज कितना होने वाला है, यहाँ पे जीरो होने वाला है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो बच्चों हमारा ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि जब भी कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसका जो चार्ज होता है वो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डिके होता है। देखा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अच्छा बच्चों यहाँ जो ये आर सी होता है इसे हम लोग बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टॉर्क से। तो अगर हम लोग यहाँ देखें आफ्टर टी इक्वल टू आर सी, अगर यहाँ पे हम लोग टाइम इक्वल टू आर सी के इक्वल पुट करें, यानी कि आर सी इक्वल टू पुट करें, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू मुझे मिलने वाला है क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू वन। और बच्चों जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ई, और ई की वैल्यू हमारे पास में होती है बच्चों 2.72, देन इट विल बी इक्वल टू 0.37 ऑफ क्यू नॉट। और आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनली जो चार्ज है बच्चों को कितना पहुंचने वाला है, 37% ऑफ क्यू नॉट। तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट चार्ज रिमेन्स 37% ऑफ इनिशियल। ठीक है, यानी कि
एक टाइम कांस्टेंट के बाद में आपका चार्ज 37% रह जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 63% आपका चार्ज क्या हो चुका है, बच्चों सर्किट में लॉस हो चुका है। ठीक है, आइए बच्चों फाइंड आउट करते हैं हम लोग सर्किट में आफ्टर टाइम टी करंट कितना है। तो बच्चों अभी हमने देखा आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करें माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू को हम लोग बच्चों यहाँ से पुट करें क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, तो क्यू नॉट बच्चों वाज इट इज बाहर आ गया, ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी का डिफ्रेंसिएशन मुझे मिल गया माइनस टी अपॉन आर सी एज इट इज, और इसके बाद में हम लोग करते हैं माइनस टी अपॉन आर सी का जो कि मुझे मिलने वाला है माइनस वन अपॉन आर सी के इक्वल। बच्चों यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि आई मुझे मिल गया आई इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और आप ये भी कह सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, तो एज इट इज़ हमें इक्वेशन मिल गई चार्ज वाली, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट सर्किट में करंट भी कितना रह जाता है बच्चों, इनिशियल का 37% रह जाता है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों आई वर्सेस टी ग्राफ, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको आई वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो पे बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग t इक्वल टू जीरो पुट करें तो i हमें कितना मिल रहा है i नॉट, यानी कि t इक्वल टू जीरो पे करंट आपको कैसा मिल गया सर्किट में मैक्सिमम। ओके, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे i कितना मिलने वाला है जीरो, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर्किट में करंट भी क्या होता है बच्चों एक्सपोनेंशियली डिके होता है। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि एट टी इक्वल टू टो, अगर हम लोग टी इक्वल टू टो के इक्वल लें तो बच्चों करंट कितना रह जाता है 0.37 टाइम्स आई नॉट, यानी कि 37% ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट किया करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट हम लोग बच्चों थर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे फॉर्मूला पता है V इक्वल टू आफ्टर टाइम टी हमने चार्ज कितना अज्यूम किया है कैपेसिटर के अक्रॉस Q, तो पोटेंशियल कितना होगा V इक्वल टू Q अपॉन C, और V इक्वल टू अगर इस Q की वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ से पुट करें तो V विल बी इक्वल टू Q नॉट E रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन सी, और बच्चों ध्यान से देखें Q नॉट अपॉन C जो है वो किसके इक्वल होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है मैक्सिमम पोटेंशियल V नॉट के, तो ये मुझे मिल गया V नॉट E रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो बच्चों यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज हो रहा है, तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट पता है कि अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका चार्ज कम होगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और बच्चों अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट में करंट की वैल्यू भी क्या होगी डिक्रीज होगी। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे V वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करें तो बच्चों V और T का ग्राफ भी हमारा कैसे आने वाला है एक्सपोनेंशियल डिके। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अगर कोई भी कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो करंट वोल्टेज एंड चार्ज तीनों क्वांटिटीज हमेशा एक्सपोनेंशियली डिके होती है। ठीक है, बट ध्यान रखिए बच्चों अगर कोई भी कैपेसिटर जब चार्ज होता है उस केस में ओनली करंट एक्सपोनेंशियली डिके होता है बच्चों, ओनली करंट सर्किट में एक्सपोनेंशियली डिके होता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखें कि करंट ऑलवेज एक्सपोनेंशियली डिके होता है चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, आइए जल्दी से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि बेस्ड होंगे दोनों कंसेप्ट पे, चार्जिंग पे और डिस्चार्जिंग पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम ये गिवन है कि शिफ्ट फ्रॉम वन टू टी, बच्चों ये बोला है कि जो स्विच है ये वन से टू में जा रहा है, कब जा रहा है जब वी सी यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन टू वी बाय थ्री। तो बच्चों पहले हम लोग इस स्विच को वन पे कनेक्ट करके देखें, अगर हमने स्विच को वन पे कनेक्ट किया तो आप ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है।
ठीक है। और जब भी कोई कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड होगा तो इसका मतलब वो चार्ज होगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है बच्चों, 2V/3, यानी कि आप कह सकते हैं कि V मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू कितना हो सकता है बच्चों, 2V/3। इससे ज़्यादा वो चार्ज हो ही नहीं सकता, क्यों? अगर इससे ज़्यादा चार्ज हुआ तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 2 में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये 1 पे है बच्चों तो V मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, 2V/3। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये 1 से 2 में शिफ्ट होता है, तो बच्चों यहाँ देखिए, जब ये 1 से 2 में शिफ्ट होता है बच्चों, तो अब कैपेसिटर बैटरी से डिसकनेक्ट हो गया। इसका मतलब अब ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस R के थ्रू वापस डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन स्विच टू जो V होगा बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि V less than V/3, जैसे ही डिस्चार्ज होते 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 V/3 से कम होगा, वापस स्विच कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, 1 पे। इसका मतलब ये कह सकते हो कि मिनिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है, मिनिमम पोटेंशियल V/3, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2V/3। तो यानी कि जब स्विच 2 कनेक्ट होगा बच्चों, तो V अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, V/3। ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका जो वेव बनेगी, पोटेंशियल की एक जो वेव बनेगी बच्चों ड्यूरिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब एक वेव होगी जो अपने आप को वापस रिपीट करेगी, ठीक है। तो आपको उस वेव का टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है बच्चों, और सेकंड आपको उस पोटेंशियल की वेव को प्लॉट करना है। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वेव को प्लॉट करें। यहाँ मैंने अज्यूम किया बच्चों पोटेंशियल वी, और यहाँ अज्यूम किया मैंने टाइम टी, ठीक है। इनिशियली बच्चों हमारा स्विच कहाँ था, इनिशियली हमारा स्विच था बच्चों यहाँ पे, हम लोग मान लेते हैं 0.1 पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 0.1 पे मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है बच्चों, 2V/3, और मिनिमम कितना हो गया बच्चों, V/3। तो बच्चों जब ये 2V/3 से V/3 में पहुंचेगा, इसका मतलब ये डिस्चार्ज होगा, इसका पोटेंशियल कम हुआ मतलब ये डिस्चार्ज हुआ। और जब डिस्चार्ज होता है बच्चों, तो पोटेंशियल का जो ग्राफ आता है वो एक्सपोनेंशियली डिके आता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इस तरीके से ये V/3 पे आके डिके हुआ, ओके। और इस टाइम को हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, इस टाइम को आपने अज्यूम कर लिया T1। अब जैसे ये V/3 पे पहुंचेगा बच्चों, अब वापस क्या होगा, ये अब ये वापस चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा बच्चों, तो ऑब्वियस बात है वो उसका जो पोटेंशियल है V=V0 1-e^-RC, मतलब उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो ग्राफ हमारा आता है कुछ इस टाइप से, ओके। मान लेते हैं T2 टाइम है, ये जो पोटेंशियल है वापस क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, 2V/3 पहुंच गया। जैसे 2V/3 पहुंचेगा, वापस शिफ्ट हो जाएगा स्विच, वापस एज इट इज प्रोसेस रिपीट होगी बच्चों, 2V/3 से वापस आएगा V/3 एंड वापस पहुंच जाएगा 2V/3। तो बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे एक पोटेंशियल का शानदार सा ग्राफ, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से पोटेंशियल की वेव आपको मिलने वाली है। आपको फाइंड आउट करना है इसका टाइम पीरियड कितना है। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी वेव का टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम के बाद में वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, इस टाइम के बाद में, इस पॉइंट के बाद में वेव रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये जो दोनों टाइम है बच्चों, T1 और इस टाइम को हमने कितना अज्यूम किया, T2। तो अगर हम लोग T1 T2 को फाइंड आउट करें और दोनों को ऐड कर दें, तो हमें मिल जाएगा इस वेव का टाइम पीरियड, यानी कैपिटल टी, ओके। तो बच्चों पहले हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग। यहाँ पे हमने देखा कि कैपेसिटर 2V से V/3, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल आपको कितना है, 2V/3, और मिनिमम कितना पहुँच गया आफ्टर टाइम टी, V/3। तो हम लोग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, V=V0e^-t हमने कितना अज्यूम किया बच्चों, T1, रेजिस्टेंस एज इट इज है R, और कैपेसिटर भी एज इट इज है C। अच्छा V कितना पहुंच गया बच्चों फाइनली आफ्टर टाइम T1, ये हमने पुट कर दिया यहाँ V/3 आफ्टर टाइम T1। V कितना है बच्चों, V/3। तो V/3 विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है बच्चों, 2V/3 e^-t1/RC। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी, V/3 से V/3 कैंसिल आउट हो गया, e^T1/RC बच्चों किसके इक्वल मिल गया मुझे, 2 के इक्वल। और आप कह सकते हैं यहाँ से T1/RC हमें किसके इक्वल मिल गया बच्चों, log 2 के इक्वल। एंटी लॉग लिया मैंने यहाँ पे, और T1 इक्वल टू मुझे सिंपल सा मिल गया यहाँ पे RC log 2। गॉट इट। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे जल्दी से ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब हमने टाइम T2 अज्यूम किया, तो जल्दी से बच्चों फाइंड आउट कीजिए ड्यूरिंग चार्जिंग फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, V=V0
इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर टाइम आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, T2 अपॉन RC। फाइनली पोटेंशियल कितना पहुंच गया बच्चों मेरा, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है बच्चों, मैक्सिमम एज इट इज़ मेरा पोटेंशियल है 2V/3। तो इसको हम लोग वापस एज इट इज़ सॉल्व करें बच्चों। तो यहाँ पर मैंने देखा कि V मेरा पहुंच गया आफ्टर टाइम T2 कितना पहुंच गया बच्चों, V मेरा आफ्टर टाइम T2 पहुंच गया यहाँ पे 2V/3 इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल मेरा कितना था, नहीं मैंने वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, V/3 इक्वल टू इनिशियल मेरा मैक्सिमम कितना है बच्चों 2V/3 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ट्यूटी अपॉन RC। बच्चों यहाँ तो हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल लेंगे ना कि उसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, तो वो मैक्सिमम कितना है बच्चों 2V/3। ओके तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें बच्चों, V/3 से V/3 फिर से कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस T2 अपॉन RC। ओके तो यहाँ से हम लोग एज इट इज़ बच्चों फाइंड आउट करें, ई रेज टू पावर T2 अपॉन RC विल बी इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ मुझे टर्म मिल गई यहाँ पे, ई रेज टू पावर T2 अपॉन RC इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ से T2 भी मुझे कितना मिल जाएगा एज इट इज़ मुझे मिल जाएगा बच्चों RC log 2। ओके अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। तो जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो बच्चों यहाँ मिल जाएगा मुझे इस वेव का कंप्लीट टाइम पीरियड टी। तो टी इक्वल टू यहाँ मुझे मिलने वाला है T1 + T2 इक्वल टू RC log 2 + RC log 2 विल बी इक्वल टू 2RC log 2। तो बच्चों इस वेव का जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2RC log 2। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको गिवन है, स्विच एस इज कैप्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों यहाँ पे एक स्विच आपको गिवन है जो कि काफ़ी टाइम तक कैसा है, क्लोज है, ठीक है। देन ओपन एट T = 0, फाइंड द करंट इन द मिडल 10 ओम रेजिस्टेंस। बच्चों ये जो रजिस्टर है 10 ओम, इसके अंदर आपको करंट फाइंड आउट करना है एट टाइम T = 1 ms। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें कि जब ये स्विच काफ़ी टाइम तक क्लोज होगा, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है बच्चों ये कम्प्लीटली कैसा हो जाएगा, कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, वो कंडीशन कैसी हो जाएगी बच्चों, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जो कैपेसिटर है बच्चों वो कैसा हो जाएगा, उसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे एज ए ओपन सर्किट। उस कैपेसिटर को हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं बच्चों, ओपन सर्किट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये कैपेसिटर ओपन सर्किट में होगा यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस में 10 ओम रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इसको ओपन सर्किट अज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली बात है इस बैटरी से जितना भी करंट बाहर निकलेगा बच्चों, प्लस माइनस 12, ये 10 ओम ये भी 10 ओम, जितना भी करंट बाहर निकलेगा इस रेजिस्टेंस में से पास होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि 10 ओम रेजिस्टेंस में से कितना मैक्सिमम करंट पास होगा। तो बच्चों यहाँ पे अप्लाई करें हम लोग I = V/, दोनों में करंट सेम है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया, 10 + 10 = 20। ओके तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 6/10 A। बच्चों इतना मैक्सिमम करंट होगा इस 10 ओम रेजिस्टेंस में। ओके अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब आपने क्या कर दिया, इस स्विच को यहाँ पे आपने ओपन कर दिया। बच्चों अगर हम लोग इस स्विच को यहाँ पे ओपन कर दें तो ये जो कैपेसिटर है बच्चों ये तो कम्प्लीटली चार्ज हो गया ना, ये जो कैपेसिटर है ये कम्प्लीटली चार्ज है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, इस स्विच को यहाँ से ओपन कर दिया। तो अगर हम लोग इस स्विच को यहाँ से ओपन कर देंगे बच्चों, तो ध्यान रखना कि अब ये जो कैपेसिटर है ये कम्प्लीटली चार्ज है, इसका मतलब ये कैपेसिटर यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है। और जब ये डिस्चार्ज होगा तो इस रेजिस्टेंस 10 ओम में करंट फ्लो होगा। ओके तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आफ्टर 1 ms इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू कितनी होती है, I = Q0 / RC e^(-t/RC). तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग I = बच्चों कितना होता है, I0, इसे हम लोग I0 भी लिख सकते हैं, Q0 / RC को I0 e^(-t/RC). बच्चों I0 होता है कि रेजिस्टेंस में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हुआ, तो I0 की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों, 6/10 e^(-t) हमें कितना पुट करना है बच्चों, 1 × 10⁻³। अब बच्चों यहाँ देखिए कि ये जो ओपन सर्किट है,
ठीक है, तो ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है तो काम में नहीं आने वाला, ये तो सर्किट से बाहर हो गया। रेजिस्टेंस हमारा केवल कितना काम में आने वाला, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस टी, आर कितना है बच्चों 10, और सी मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है बच्चों 25 माइक्रो फेराड। तो हम लोग जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, और जब बच्चों आप इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और मैंने जब इसको सॉल्व किया तो फाइनली मुझे आंसर मिल गया बच्चों यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 मिली एम्पियर, यानी कि 1 सेकेंड बाद में इसमें कितना करंट फ्लो होने वाला है बच्चों 11 मिली एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इस पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है कि मेरे पास में कैपेसिटर है बच्चों, इस पर इनिशियल चार्ज कितना गिवन है आपको क्यू, इनिशियल चार्ज आपको गिवन है बच्चों मतलब ये कैपेसिटर जो है ये इनिशियली यहाँ पे चार्ज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया एक स्विच जो कि अभी इनिशियली कैसा है बच्चों ओपन है। इसके साथ में आपने कनेक्ट किया है कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर, जो कि इनिशियली बच्चों इसका पोटेंशियल कितना है जीरो, मतलब ये जो कैपेसिटर है इनिशियली बच्चों ये कैसा है डिस्चार्ज है, मतलब इसका इनिशियल पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे, जब ये स्विच क्लोज होगा तो ये जो कैपेसिटर है बच्चों इसके अक्रॉस चार्ज आफ्टर टाइम टी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा आफ्टर टाइम टी, ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए कि जब हम लोग इस स्विच को वापस यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग स्विच को यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है बच्चों ये डिस्चार्ज होगा, ये कैपेसिटर यहाँ पे क्या होगा बच्चों डिस्चार्ज होगा, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये क्या हो रहा है बच्चों चार्ज हो रहा है। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसका चार्ज ही तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो यानी कि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में फाइनल चार्ज का क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। लेकिन बच्चों सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो कैपेसिटर है बच्चों इसका मैक्सिमम चार्ज कितना है, ठीक है, इसका मैक्सिमम चार्ज कितना है। तो बच्चों ध्यान रखें अगर टू कैपेसिटर्स हैं, अगर दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो बच्चों एनर्जी का लॉस होता है हीट की फॉर्म में, ओके, और आपको पता है कि उसमें हम लोग कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे पहले वाले लेक्चर से मैंने आपको ये समझा रखा है कि दो कनेक्टर्स को, जो आप कह सकते हैं दो कैपेसिटर्स को या फिर दो कंडक्टर्स को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो बच्चों हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, इसका इनिशियल कैपेसिटेंस C1 है, इनिशियल पोटेंशियल V, प्लस ये इनिशियली डिस्चार्ज जीरो अपॉन सी प्लस सी विल बी इक्वल टू बच्चों V/2। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर मैक्सिमम पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों V/2, ओके तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों V मैक्सिमम इक्वल टू कितना मिल गया मुझे V/2। अगर हम लोग देखें इसका मैक्सिमम चार्ज कितना होगा बच्चों इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया Q इक्वल टू CV, तो इट विल बी इक्वल टू CV/2, ठीक है। अब बच्चों ये जो कैपेसिटर ये चार्ज हो रहा है, तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करते हैं Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। बच्चों यहाँ ध्यान दें फॉर्मूले में हमेशा आता है आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। बच्चों यहाँ पे आर इक्वलेंट सिंगल रेजिस्टेंस से आर ही रहेगा, बट अगर हम लोग सी इक्वलेंट की बात करें यहाँ पे तो बच्चों दो कैपेसिटर्स मेरे पैरेलल में है, और अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में है बच्चों तो सी इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है C1C2 अपॉन C1 + C2 विल बी इक्वल टू C/2। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें तो Q इक्वल टू Q नॉट मुझे कितना मिल गया बच्चों, Q नॉट मुझे मिल गया CV अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर, एंड C इक्वलेंट बच्चों मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया 2C/2। तो फाइनल आंसर मेरा मिल गया यहाँ पे Q इक्वल टू CV/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2T अपॉन आर सी, ओके, तो ये मुझे मिल गया फाइनल आंसर। आइए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें गिवन है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज गिवन है चार्ज क्यू। बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको इनिशियली चार्ज आपने कितना दिया है बच्चों क्यू, ध्यान रखें ये इनिशियली कैपेसिटर चार्ज्ड है, ठीक है,
एट टी इक्वल टू जीरो इट इज़ कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी। बच्चों इसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ में, और बैटरी का जो EMF आपको गिवन है वो गिवन है स्मॉल ई कैपिटल ई थ्रू ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। बच्चों यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी। बच्चों यहाँ देखिए कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि अगर हम लोग किसी भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली आपने अज्यूम किया था कि जो कैपेसिटर है बच्चों वो कैसा है, कैपेसिटर आपका अनचार्ज है, और आपने कहा था कि अगर वो बैटरी से कनेक्टेड है तो वो चार्ज्ड होगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर चार्ज्ड होगा बच्चों तो चार्ज का फॉर्मूला चार्जिंग के केस में आपने क्या लिखा था, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इन ब्रैकेट वन माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये इनिशियली चार्ज है बच्चों, इनिशियली इसके ऊपर कुछ चार्ज है, और अगर कोई भी चार्ज कैपेसिटर जब रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा बच्चों तो ऑलवेज वो डिस्चार्ज होगा। तो बच्चों यहाँ पे दो कंसेप्ट काम में आ रहे हैं कि बैटरी क्या करेगी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, और रेजिस्टेंस है वो इसको वापस क्या करेगा बच्चों डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो नेट अगर हम लोग चार्ज की बात करें बच्चों इस पर, तो इसका जो नेट चार्ज होगा बच्चों वो हो जाएगा नेट चार्ज क्यू इक्वल टू ड्यूरिंग चार्जिंग प्लस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। बच्चों यहाँ ध्यान दें नेट चार्ज कितना होगा इस पर, चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग, ओके। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें चार्जिंग की, तो चार्जिंग के केस में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे क्यू मैक्सिमम, कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम कितना चार्ज आएगा। तो बच्चों क्यू मैक्सिमम अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो सी इंटू ई मैक्सिमम, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना आ सकता है बच्चों इसके ऊपर बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल, तो यानी क्यू मैक्सिमम यहाँ पे कितना हो गया बच्चों सी ई। तो अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग चार्जिंग तो सी ई वन माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन आर इक्वलेंट कितना हुआ, सिंगल है तो आर, एंड सी इक्वलेंट बच्चों सिंगल कैपेसिटर है यहाँ पे तो ये भी कितना हुआ सी प्लस। अच्छा बच्चों जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बच्चों यहाँ इनिशियली मैक्सिमम चार्ज आपको गिवन है इसके ऊपर कितना है क्यू, तो इसको मैंने एज इट इज रखा क्यू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा सी वन माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस क्यू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ओके। थैंक यू।